सबसे पहले सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ लोग जो चंद लोग हैं, दो कौड़ी के लोग, वो लोग बुराई कर रहे हैं होली का, तो उनको शायद पता नहीं है कहना क्या है उनका कि हमारी सभ्यताओं में स्त्रियों को सती प्रथा के नाम पर चिताओं में जलाया गया, तो वो प्रथा भी बदली हम लोगों ने, क्योंकि हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैं। वाह वाह, क्या भाषण देती है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, एक सभ्य समाज में स्त्री को जीवित जलाकर जश्न मनाना, ये कहाँ की सभ्यता। इस चमनचू चुड़ैल को सुनिए क्या बोल रही है। सभ्य समाज कितना सभ्य है, इसका सकल से सूरत से आपको समझ में आ गया होगा। आपको बताते हैं, हिंदू धर्म पर कुछ भी कटाक्ष करना ये सबका पेशा बन चुका है, बस पेशा कहा जाए इसको। इसी तरह से मेरा भी एक दो दोस्त भाषण दिया करता था, ठीक है, लेकिन उसको बहुत समझाए नहीं माना, तब फिर उसको हिजड़े का गाड़ी उठा करके ले गया। उसी तरह से अब इसका भी होने जा रहा है। देखिए, इसका पहले सुनिए और सुनिए थोड़ा सा। हमारी सभ्यताओं में महिला को जिंदा जला के जश्न मनाना रहा है, तो ये मैं गलत मानती हूँ। बात कर रहे हैं कि औरत को जलाने का, इसको ये पता ही नहीं है कि औरत ही खुद आग में गई थी प्रहलाद को लेकर के। ये बात तो इसको पता नहीं है, कोई इसको यार इतिहास पढ़ाओ कुछ, इसके समझाओ कोई, नहीं तो ऐसे ही जहां तहां भटकते फिरेगी, लात जूता खाती रहेगी, तो फिर मजा नहीं आएगा। जिस दिन हिंदू पागल हो गया ना, इसका तो क्या करेगा, आपको पता ही है। ऐसा ऐसा बहुत को सुधार चुका है, बस हिंदू में एक चीज है, इसके धर्म पर कोई कुछ भी कह दो ये लोग शांत रहते हैं, पहले तमाशा देखते हैं कि कोई और आएगा कोई और आएगा। जिस दिन ये रास्ते पर चलना इसका बंद हो जाएगा, जिस दिन इसके ऊपर ज़्यादा कटाक्ष हुआ हिंदू के तरफ से, तो हम इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी समझे कि ये क्या से क्या, मतलब कुछ भी अब कहेगा कि ये होलिका मत जलाओ, फिर दीपावली में कहेगा प्रदूषण फैल रहा है। साला सिर्फ और सिर्फ हिंदू पर ही क्यों यार, और भी कोई धर्म इसको नजर नहीं आता है क्या? और ये जिस धर्म से आते हैं, इसका तो हमको लगता है कोई धर्म ही नहीं है। इंसानियत जिसमें नहीं है उसमें कोई धर्म नहीं है, और हिंदू में इंसानियत बहुत ज्यादा है, इसके कारण सब धर्म को मानता है। हिंदू में सबको पूजा जाता है, कण कण में भगवान है, फिर भी ये लोग को समझ में नहीं आ पा रहा है। और एक का अब ये दूसरे, ये तो सिर्फ इसका था, अभी एक का और सुनिएगा तो आपका दिमाग होश उड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा पागल हो जाएंगे आप। तो दूसरे का भी थोड़ा सा देखिए, उसका तो रेप कर दिया, समझिए रेप। ऐसा बात बोलती है यार, माथा एकदम से खनक जाता है। दूसरा सुनाते हैं आपको। जय भीम साथियों, हम लोगों का होली का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि होली का त्यौहार एक कलंक की त्यौहार है। इस उम्र में बहुत ज़्यादा सठिया गई है, ये क्या कर रहा है, कलंकित त्यौहार है, जबकि इसको पता ही नहीं है कि होलिका दहन होता क्यों है, रावण को हम लोग क्यों जलाते हैं। बच्चे में अच्छे संस्कार के लिए ही ये सब पर्व मनाते हैं। रावण को क्यों जलाते हैं आप लोग को सबको पता है, ठीक है। अब ये किसी दिन कह देगी कि रावण मेरा जीजा जी है, कोई दूर नहीं है दिन ये भी कह सकते हैं कि उसे मत जलाओ। देखिए, होलिका भी उसी तरह से है, इसमें दिखाया गया कि एक औरत इतना गिर सकती है कि किसी बच्चे को वो जलाने के लिए जा सकती है, और कुदरत का करिश्मा है कि चादर उड़ करके प्रहलाद पर आ जाता है और होलिका दहन हो जाती है। मतलब बुराई से जीतने के लिए भगवान वहाँ प्रकट होते हैं, तो ये सब चीज़ इसको समझ में नहीं आएगा। और एक चीज़ बताऊँ, ये दोनों का अगर आप कमेंट पढ़ लीजिएगा तो आग लग जाएगा, कोई कुछ कर रहा है, मतलब इतना गाली, इतना बेशरम, इतना बेहाया, सब कहाँ से आते हैं यार ये सब। ये सब पैदाइशी इस तरह का है कि कहीं से ये सब कोर्स करते हैं चुतिया पंथी का, हमें तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अब और सुनिए इसको थोड़ा सा। होली में एक स्त्री को जलाकर, जिसका नाम होलिका था, उसको जलाकर लोग खुशियाँ मनाए थे, होलिका दहन मनाए थे, तो इस होली का बहिष्कार करना चाहिए। हम लोगों को बिल्कुल भी होली नहीं मनाना चाहिए। कहना है कि हम लोगों को बिल्कुल होली नहीं मनाना चाहिए। कौन भाई, कौन कह रहा है इसको होली मनाने के लिए, कौन कह रहा है दीपावली मनाने के लिए, कौन कह रहा है, कोई कह रहा है क्या? नहीं कह रहा है तो तुम क्यों दूसरे के पीछे पड़े हुए हो यार। हाँ, इतना अच्छा है सच में, जिस दिन पगला जाएगा हिंदू तो समझ जाओ ये क्या कह रही है। अभी थोड़ा सा आप नहीं सुने हैं, सुनिएगा तो आपका भी दिमाग उड़ जाएगा। चलिए पहले वर्ड को आपको सुनाते हैं।
लोग ड्रिंक करके स्त्रियों के साथ बदतमीजियाँ करते हैं। उस होली में बदतमीजियाँ भी बहुत होती हैं, तो हम लोगों को रंगों के से नहीं खेलना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। लोग ड्रिंक करके इसके साथ बदतमीजी करते हैं, कोई एक तो सिंपल दो यार, कौन सा बदतमीजी। और जितना बदतमीजी ऐसे होता है ना त्यौहार पर नहीं होता है। हम लोग के यहाँ तो कोई नहीं हुआ, पूरा गांव मनाते हैं होली, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कहाँ होता है बदतमीजी, इसके नज़र में बदतमीजी होता है। यही सब लड़की के साथ अगर आगे चल करके कुछ होगा ना, तो फिर कहेगा कि ये गलत है, हिंदू गलत है तो मुस्लिम गलत है। ये हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है यार, ये एक अलग ही प्रजाति का है, अलग ही प्रजाति से ये सब आते हैं और किसी का भी धर्म पर कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुस्लिम पर नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे बताते हैं आपको, क्योंकि अगर बोला तो घर में घुस करके मारेंगे इसको, समझे। और हिंदू पर बोलेगा तो हिंदू जानता है, सीधा है, सपटा है, कुछ नहीं बोलने वाला है। आप लोग का क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए ये भी बताइएगा। हमें हमारे धर्म पर अगर कोई कुछ भी कहता है तो हमें तो भाई खून खौल उठता है। मेरे सामने रहे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हम आउट ऑफ रेंज हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन लोगों के साथ होना क्या चाहिए आखिर, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर एक हिंदू है तो, या इंसान भी है तो ज़रूर बताइएगा, अगर जानवर हैं तब तो जानवर के तरह ही आप लोग भी सोचिएगा, ठीक है। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, फिर आएंगे ऐसे ही किसी चमन चुतिए को लेकर के, ठीक है।